क्या कह रहे हैं, हे ईश्वर हम तुम्हारे चरणों के धूल है, धूल यानी उनके चरणों में जो मिट्टी लगी होती है वो हम हैं, ऐसा बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, ईश्वर से बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि सदैव यानी हरदम हमारे ऊपर दया बनाए रखना। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, कभी क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम ही हमारे बंधु है और तुम ही हमारे मित्र हो। तो ये पूरा इसका सारांश क्या है प्रार्थना का, कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर तुम ही हमारे माता पिता है, तुम ही हमारे बंधु है, सगे संबंधी है, तुम ही हमारे मित्र है, तुम ही हमारे साथी है और तुम हमको सहायता करने वाले है, तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी नहीं है। जिस प्रकार नाव चलाने वाला चलाता है उसी प्रकार हमारे जीवन को भी आप ही चलाते हो, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। और बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो आज हम तो छोटे हैं लेकिन कल हम बड़े हो जाएंगे, जिस प्रकार कली रहती है और दूसरे दिन फूल बनकर खिल जाते हैं उसी प्रकार है प्रभु, हम आज तो छोटे हैं लेकिन कल हम फूल के समान बड़े हो जाएंगे, खिल जाएंगे। तुम्हारे चरणों की धूल है मैं, ईश्वर से बच्चे कहते हैं कि हे ईश्वर हम तुम्हारे चरणों के धूल है, मिट्टी है, हमारे पर सदा दया बनाए रखना, हमारी आपकी दृष्टि हम सब पर बनाए रखना, ऐसा कवि बच्चों के द्वारा कह रहे हैं। तो ये पाठ एक का प्रार्थना का पेज नंबर 7 है और इसके कठिन शब्द है, शब्द के अर्थ है यहाँ पर, कठिन शब्द ये होते हैं इसके ये अर्थ होते हैं यहाँ पर दिया है। बंधु यानी भाई ब्रदर, सखा यानी मित्र दोस्त फ्रेंड, सिवा यानी अलावा अतिरिक्त, अलावा यानी सिवा, सिवा बोले तो तुम्हारे अलावा और तुम्हारा भाई भी है ऐसा। एक्सेप्ट नैया यानी नाव यानी बोट, खेवैया यानी नाव चलाने वाला बोटमैन, चरण यानी पैर, पैर यानी फीट, दृष्टि दृष्टि यानी नज़र साइट। तो ये वन टाइम तुम लोग कक्षा कार्य में लिखना। दूसरा ये कठिन शब्द है, इसको ये वन टाइम लिखना और ये पूरा